बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आगामी 16 नवंबर से 20 नवंबर तक राजस्थान में लगातार 8 रैलियां करने जा रही हैं। बीएसपी की ओर से जल्द ही रैलियों का विस्तृत ब्यौरा, कार्यक्रम, शेड्यूल जारी किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की चुनावी कमान अब अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। राजस्थान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 दिन में 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। 17, 18, 19, 20 चार दिन लगातार बीएसपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वो जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेट करने वाले जो हैं आकाश आनंद, उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान की कमान संभाली हुई है। आकाश आनंद को राजस्थान सहित सभी चुनाव वाले राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। मायावती के भतीजे आकाश विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इन सम्मेलनों के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनसभाएं आयोजित होंगी। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो ने राजस्थान और तेलंगाना में किसी भी दल का समर्थन किए बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद बीते एक महीने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जनसभाओं के जरिए वोटर्स को बीएसपी के साथ जोड़ने और गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की भी उनकी कोशिश तेज है। पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि मायावती नवंबर महीने में चारों राज्यों में तमाम रैलियों में हिस्सा लेती हुई दिखाई पड़ेंगी, यानी एक्टिव नजर आएंगी। ये संयुक्त रैलियां बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आयोजित होगी मध्य प्रदेश में। आकाश आनंद दोनों राज्यों में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन करके पार्टी का आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में उन्होंने मुरैना और रीवा में दो बड़े सम्मेलन किए थे जिसमें खासी भीड़ दिखाई पड़ी थी। इससे पहले उन्होंने हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह का सम्मेलन किया था जहाँ जनाधार बढ़ाने का प्रयास वो लगातार करते हुए दिखाई पड़े थे। खास बात यह है कि इन सम्मेलनों में सत्तारूढ़ दलों के भ्रष्टाचार के मामलों को जनता के बीच रखने की रणनीति अपनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी आकाश आनंद के नेतृत्व में कई जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी कमर कस ली है और अब तक बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और सांसद रामजी गौतम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर लगातार थे। चुनावी माहौल में बीएसपी को मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब देखिए खुद बीएसपी सुप्रीमो प्रदेश के दौरों पर नजर आएंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि बसपा के नेता भगवान सिंह बाबा ने बताया है कि बीएसपी सुप्रीमो के प्रदेश के दौरे को लेकर बीएसपी के मुख्यालयों पर कार्यक्रम जो है वो मुख्य कार्यालय से जारी हुआ है और सुप्रीम जो है बीएसपी की यानी मायावती 17 नवंबर को राजस्थान आ रही हैं। यहाँ 20 नवंबर तक वो रहने वाली हैं। इन चार दिनों में यहाँ लगातार 8 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगी। हर दिन 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को उनका संबोधन करने का कार्यक्रम है। बाबा ने आगे ये भी बताया कि प्रदेश कार्यालय को लेकर शेड्यूल का जो ब्यौरा है वो उन्हें मिल चुका है। अब उनकी जनसभाओं को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और वो खुद जुट चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भगवान सिंह बाबा ने कहा था कि पार्टी राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनका मुख्य फोकस 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा। पार्टी इस पर खास ध्यान केंद्रित कर रही है। भगवान सिंह बाबा ने यह भी कहा था कि बीएसपी का लक्ष्य किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं करने देना है। इस तरह राज्य में पावर बैलेंस को सुनिश्चित करना है जो कि हमेशा से बीएसपी करती आई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पार्टी आलाकमान की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आदेश के अनुसार काम करेंगे और अभी हम सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आइए आपको संक्षेप में यह भी बता दें कि कैसे राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बन सकती हैं मायावती। दरअसल सीएम गहलोत ने बीएसपी को जोर का झटका देते हुए पार्टी के सभी 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करा लिया था। बीएसपी के ये विधायक सितंबर 2019 में सत्तारूढ़ कांग्रेस में चले गए थे। ऐसे में राजस्थान बीएसपी ने इस बार खास तैयारी की है। इधर भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी भरतपुर, धौलपुर, करौल, अलवर, दौसा, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर सहित 9 जिलों की 60 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने पहले ही इन जिलों में सीटें जीती हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में हम इन जिलों पर विशेष फोकस करेंगे। अब इसका असर निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की कह लीजिए कि चुनावी तैयारी पर, या यूं सीधे अगर कहा जाए तो कांग्रेस की सीटों पर, कांग्रेस के वोट्स पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।